बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़ और अभद्रता की शिकायत को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल भवन पहुंचा और राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेसियों ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिश्ट ने कहा कि मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार से हमने शिकायत की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। आज महामहिम राज्यपाल के पास आकर के ज्ञापन दिया कि इसके तत्काल कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने गलत परंपरा की शुरुआत की है कि किसी के कांग्रेस कार्यालय पर आकर उन्होंने इस तरह का हमला किया, तोड़फोड़ की। हम अनुशासित प्रिय लोग हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था में प्रस्ताव में विश्वास रखते हैं। ये हमने ज्ञापन आज महामहिम राज्यपाल जी को दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने के और कार्रवाई की भी की। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, गरिमा दसौरी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ संध्या सेमवाल की रिपोर्ट।